Hamza Vahinin Viladarini Hamza Vahinin Viladarini Himana Ganandini Jagata Kalyani Himana Ganandini Jagata Kalyani Jagata Janani Mata Mata Saraswati Sharada Mata Saraswati Sharada Saraswati Sharada Sharada Saraswati Sharada 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 Mata Saraswati Sharada. Good morning my dear brothers and sisters. आज हम लोग कैप्चर इफेक्ट और थ्रेशोल्ड इफेक्ट जो एफएम में है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई पहले चलो देखते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फिगर ऑफ मेरिट निकाला था हम लोगों ने एफएम रिसीवर का। अब कैप्चर इफेक्ट एंड एफएम में देखिए क्या होता है। जैसे कि जो नॉइस इंटरफेरेंस जो हो रहा है एफएम सिग्नल में, पहले आप नॉइस इंटरफेरेंस को हटा दो। नॉइस इंटरफेरेंस का यहाँ पे मतलब अलग है। देखो ऐसा होगा, जैसे ये वाली लाइन पढ़ो पहले, इन टेलीकम्युनिकेशन अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद एफएम रिसेप्शन इन विच ओनली द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू सिग्नल्स एट और नियर द सेम फ्रीक्वेंसी और चैनल विल बी डिमॉड्यूलेटेड। तो कैप्चर इफेक्ट में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि जैसे अगर दो सिग्नल है ना, दो सिग्नल है और दोनों मतलब कि एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी के आसपास के सिग्नल है, ठीक। तो उसमें से जो स्ट्रॉन्गर होगा सिग्नल का वही केवल डिमॉड्यूलेट होगा और जो वीकर वाला होगा वो नहीं डिमॉड्यूलेट होगा। अब ऐसा हो सकता है कि भाई एक आपका, हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है, एक मान लीजिए एक 98.1 मेगाहर्ट्ज पे कोई एक कैरियर फ्रीक्वेंसी पे कोई आपका एफएम आ रहा है, ठीक है, एक 99 मेगाहर्ट्ज पे कोई दूसरा आ रहा है, ठीक है, या ऐसा समझ लो 98 पे एक आ रहा है, एक 99 पे आ रहा है, तो ये लगभग सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं। अब क्या होगा कि अब जैसे इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्गर होगा वो जो स्ट्रॉन्गर होगा वही केवल डिमॉड्यूलेट होगा, ठीक। ये कहने का मतलब है एट सेम फ्रीक्वेंसी एट और नियर और द सेम फ्रीक्वेंसी, नियर और सेम मतलब कि लगभग, अभी इनकी सेम फ्रीक्वेंसी तो नहीं है लेकिन आसपास की फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो इसमें कैप्चर इफेक्ट में क्या हो जाता है, इसमें कंप्लीट सप्रेशन हो जाता है, कंप्लीट सप्रेशन हो जाता है वीकर सिग्नल का, जो स्ट्रॉन्गर सिग्नल होता है वही केवल डिमॉड्यूलेट होता है और वीकर सिग्नल का कंप्लीट सप्रेशन हो जाता है एट द रिसीवर लिमिटर, ठीक है, वेयर द वीकर सिग्नल इज नॉट एम्पलीफाइड बट एट्यूनेटेड। तो रिसीवर के जो लिमिटर है, लिमिटर सर्किट हम लोगों ने देखी थी, वहां पे वीकर सिग्नल एम्पलीफाई नहीं होता बल्कि एट्यूनेट हो जाता है और एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीट सप्रेशन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि केवल स्ट्रॉन्गर सिग्नल ही केवल आपका डिमॉड्यूलेट होता है। और जब दोनों के दोनों सिग्नल लगभग बराबर स्ट्रेंथ के हों, अभी तो हम लोगों ने करा कि एक का स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, अब लगभग दोनों बराबर के हों है और फेडिंग हो रही हो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो रिसीवर क्या होता है, कभी कभी इस पे आएगा कभी इस पे आएगा, ठीक है, और तो इससे क्या होगा कि हम इससे क्या होगा, पिकेट फेंसिंग होने लगेगी, कभी कभी आपका ये पकड़ जाएगा, कभी कभी ये पकड़ जाएगा, कभी ये पकड़ जाएगा, कभी वो डिपेंड करेगा कि फीडिंग कि किस चैनल पे ज़्यादा फीडिंग हो रही है। मान लो इस अभी इस पे है और एकदम से इस पे फीडिंग ज़्यादा हो गई तो इस पे आ गया,
अब इस पे एकदम से फील्डिंग ज्यादा होगी तो इस पे आ गया। कभी ऐसे ही करते करते वो एक दूसरे इन दोनों के बीच में स्विच करता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि ये पिकेट फेंसिंग एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक। तो कैप्चर इफेक्ट में क्या होता है कि सबसे पहली बात कि केवल वीकर सिग्नल कंप्लीटली सप्रेस हो जाता है। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉइस इंटरफेरेंस, अब इसमें से ये नॉइस इंटरफेरेंस का मतलब ये है, यहाँ पे वो AWGN वाली नॉइस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है दूसरा सिग्नल। जैसे कि मान लो अब अगर हमारा 98.1 MHz पे जो सिग्नल है, हमें वही सुनना था, हमें इस फ्रिक्वेंसी वाला सुनना था, लेकिन 99 MHz वाला हमारा क्या हो रहा है कि 99 MHz वाला ज्यादा स्ट्रांग है और हमारा जो है रिसीवर इस पे लॉक हो जा रहा है, ठीक। तो हम लोग ये कहेंगे कि नॉइस इंटर, इसको बोलेंगे क्या, नॉइस इंटरफेरेंस। इस सेंस में इसको नॉइस बोल रहे हैं क्योंकि ये अनवांटेड सिग्नल है। नॉइस का मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल। हमारा वांटेड क्या था, 98.1 वाला, ठीक है। तो उस सेंस में यहाँ पे मैंने लिखा है नॉइस इंटरफेरेंस। तो कभी कभी किसी किसी बुक में ये लिखा होता है नॉइस इंटरफेरेंस, ठीक है। और इसमें जो FM सिग्नल का बात कर रहे हैं, वो FM सिग्नल का मतलब जो डिजायर्ड FM सिग्नल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 98.1 MHz वाला हमारा डिजायर्ड था और 99 MHz वाला अनडिजायर्ड था। अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इससे हमारे जो अगर ये जो सॉरी ये जो नॉइस वाला है 99 MHz, इसकी स्ट्रेंथ अगर आपके 98 जो FM वाला जो हमारा डिजायर्ड FM सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो रिसीवर की लॉकिंग क्या हो जाएगी, इस पे हो जाएगी। और अगर दोनों में बराबर है तो रिसीवर की लॉकिंग इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे हम लोग, कैप्चर इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया ये कैप्चर इफेक्ट। इसमें एक्चुअल में आपका ये जो लिखा है ना, ये बस इतना ही है, कंप्लीट सप्रेशन हो जाता है वीकर सिग्नल का, बस ये है, तो समझ लो कंप्लीट सप्रेशन ऑफ वीकर सिग्नल। इसी से आपको याद आ जाएगा कैप्चर इफेक्ट में। जैसे अगर इसमें समझ लो कि स्ट्रॉन्गर सिग्नल ही केवल डिमॉड्यूलेट होता है कैप्चर इफेक्ट में, ठीक। नेक्स्ट ही देखिए क्या है? अच्छा, पिछले FM थ्रेशोल्ड इफेक्ट, FM थ्रेशोल्ड इफेक्ट को समझने के लिए पहले एक चीज आप लोगों ने पिछली बार और पिछले लेक्चर में हम लोग फिगर ऑफ मेरिट निकालना था हमें FM रिसीवर की, है ना। तो हम लोगों को आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो पहले जब निकाल रहे थे, तो एक जगह पे हम लोगों ने ये एजम्पशन करा था कि नॉइस की स्ट्रेंथ कैरियर की स्ट्रेंथ से बहुत कम होती है, ठीक। चलो उसको देख लेते पहले कि कहाँ पे करा था। एक बार फिर से हम लोग लेक्चर नंबर 67 की जो हम लोगों ने स्लाइड थी उनको देखते हैं एक बार, ठीक है। तो वहां पे एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं मैं लेक्चर नंबर 67। देखो यहां पे, देखो यहाँ पे देखिए आप कि ST इज इक्वल टू ST प्लस NT लिखा हुआ है ना। यहाँ पे ये हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, यहाँ तक आप लोगों को याद है पिछले लेक्चर में। फिर हम लोगों ने एक चीज करी थी कि RT की वैल्यू AC से बहुत छोटी मानी थी। RT का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ही हम लोगों ने मान लिया था कि कैरियर की पावर या कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है वो काफी बड़ा है आपके नॉइस के एम्पलीट्यूड से। नॉइस क्या था हमारा, RT क्या था, नॉइस के एम्पलीट्यूड था, ठीक है। एक बार पीछे आ जाइए, यहाँ पे आप यहाँ से आपको याद आ जाएगा। ये देखिए RT क्या था हमारा, ये नॉइस का एम्पलीट्यूड था। तो हम लोगों ने मान लिया था कि कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है या नॉइस का इनवलप था, ठीक है। नैरो बैंड नॉइस हो गई थी हमारी बैंड पास फिल्टर से, तो नॉइस का इनवलप हमारा RT था। तो हम लोगों ने मान लिया था कि जो नॉइस का एनवलप या ऐसे सिंपली आप करिए नॉइस नॉइस की स्ट्रेंथ से हमारे कैरियर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, या ऐसे कह सकते हैं कि कैरियर की पावर हमारे नॉइस की पावर से काफी ज्यादा हम लोगों ने मानी थी। तभी हमारा ये रिसीवर में हमारा
आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। और आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमारा कितना आया था, जरा एक बार हम फिर से देख लेते हैं। और आगे ये आया था, ठीक नहीं, ये सॉरी तो नॉइस पावर है, ये आया था आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है। ये हमारा आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो आया था, है ना। तो अब आप ये वापस आ जाइए अपनी वाली आज की स्लाइड में। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो फिगर ऑफ पैरेट निकालते हैं एक एफएम रिसीवर की, तो उसमें जो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकालते हैं उसकी जो इक्वेशन आ रही थी वो इक्वेशन वैलिड तभी होती है जब हमारा कैरियर सिग्नल टू नॉइस रेशियो हाई हो। ऐसा हम लोगों ने देखा ना अभी कि कैरियर सिग्नल टू नॉइस रेशियो जब हाई होता है तभी वो इक्वेशन वैलिड होती है आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो वाली, है ना। जो हम लोगों ने आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकाला था उसकी इक्वेशन वैलिड तभी होती है जब हमारे कैरियर की पावर ज्यादा हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि कैरियर सिग्नल मतलब कैरियर की पावर नॉइस की कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो, है ना। तो ऐसा वो बोल सकते हो जो हम लोगों ने बोला था, जो एजम्पशन करा था कि आरटी की वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटी छोटी है एसी से, तो इसका मतलब कैरियर टू नॉइस रेशियो, ठीक है। तो कैरियर टू नॉइस रेशियो अगर हमारा है ना सी एन आर, अगर हम लिखें कैरियर टू नॉइस रेशियो हमारा हाई हो तो तभी वो हमारी आउटपुट एस एन आर की वैल्यू वैलिड होती है जो हम लोगों ने फिगर ऑफ मेरिट में कैलकुलेट करी थी। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एफएम में निकालते समय जो हम लोगों ने आउटपुट एस एन आर यूज करा था फिगर ऑफ, तो उसके लिए हम लोगों ने ये एजम्पशन करा था। इसका मतलब कैरियर टू नॉइस रेशियो जो इनपुट था हमारे डिस्क्रिमिनेटर के इनपुट पे जो कैरियर टू नॉइस रेशियो है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, वाइल कैलकुलेटिंग द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एफएम इन प्रीवियस लेक्चर द फॉर्मूला फॉर आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज वैलिड ओनली इफ कैरियर टू नॉइस रेशियो मेजर्ड एट डिस्क्रिमिनेटर, जो डिस्क्रिमिनेटर के जो इनपुट पे जो हम लोग अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो कैरियर टू नॉइस रेशियो है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। फिर आप मान लीजिए कि आपका जो इनपुट की जो नॉइस है वो बढ़ रही है, ठीक है, नॉइस की पावर बढ़ रही है, नॉइस की पावर बढ़ रही है। अब नॉइस की पावर बढ़ेगी, है ना, तो कैरियर टू नॉइस रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। अब इस इक्वेशन के लिए वैलिड, इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है, सिग्नल टू आउट जो हम लोगों ने आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी वो 3 KF² करके कुछ निकाली थी ना। एक मिनट रुकिए, जरा मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे निकाली थी एक 3 AC² ये निकाली थी हम लोगों ने आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू 3 AC² KF², ठीक है, ये आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो की हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, ठीक है। फिर इस इक्वेशन और जो हम लोगों ने बाद में फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू ये आई थी हमारी, फिर साइनसॉइडल सिग्नल वाला केस करा था तो हमारी 3/2 β² आ गया था, ठीक है। तो हमारी ये जो इक्वेशन है भाई ये वैलिड तब है जब हमारी कैरियर टू नॉइस रेशियो हाई है, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे नॉइस जब पड़ती है तो कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज होता है, तो ये जो इक्वेशन है ये वैलिड नहीं रह पाती है। मतलब ये एक्चुअल जो हमारा आउटपुट है सिग्नल टू नॉइस रेशियो होगा वो ये इक्वेशन से नहीं मिलेगा अब, ठीक है, वो कुछ और ही होगा, है ना, वो एक्चुअल में इससे भी कम होगा, जो इस इक्वेशन से आएगा उससे भी कम होगा हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है। अब अगर क्या हो रहा है कि ये इक्वेशन जो है ये वैलिड तब है जब हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो हाई है, लेकिन अब क्या हुआ कि अगर हमारी नॉइस की पावर बढ़ रही है तो कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज होगा, है ना। अगर इनपुट नॉइस की पावर बढ़ रही है तो कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज होगा।
अब कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज होगा तो एक्चुअल में जो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो है ना भाई, वो इस इक्वेशन से नहीं मिलेगा, मतलब कि वो इस इक्वेशन से भी काफी कम होगा हम कह सकते हैं। क्या क्योंकि नॉइस की पावर बढ़ रही है ना, नॉइस की पावर बढ़ रही है, तो हमारा जो एक्चुअल में जो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो इस इक्वेशन से जो आता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो उससे काफी कम होगा, और ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, ये बस खाली मैं इस पुराने लेक्चर से कहने जा रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ। अब हम लोग वापस अपनी वाली स्लाइड में आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी इनपुट नॉइस पावर इंक्रीज होगी, कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज होगा, तो एफएम रिसीवर हमारा ब्रेक हो जाएगा। इन्होंने यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, तो यहीं पे आपका कैरियर टू, अगर हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो हाई है तभी वो इक्वेशन वैलिड है। अगर इनपुट नॉइस हमारी की पावर हमारी बढ़ती है ना, नॉइस की पावर बढ़ रही है, तो हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज होगा और एफएम रिसीवर ब्रेक, ब्रेक का मतलब है कि वो अब सही से काम नहीं करेगा। फिर जब ये ब्रेक होगा तो शुरुआत में तो एक जैसे से आपकी नॉइस की पावर बढ़ेगी तो कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज होगा, तो शुरू में तो आपको छोटे छोटे क्लिक साउंड आपको दिखेंगी मिलने लगेंगे। फिर अगर आपकी नॉइस की पावर और बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, तो ये क्लिक जो छोटे छोटे हमें सुनने को मिल रहे थे वो हमारे क्रैकलिंग या स्पटरिंग साउंड में बदल जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर जब ये क्रैकलिंग और स्पटरिंग साउंड में बदल जाएंगे तो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी वो वैलिड नहीं रह जाएगी, है ना। जो एक्चुअल आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो होगा वो उससे काफी कम होगा, है ना, उससे काफी कम होगा, क्योंकि वो जो इक्वेशन होगी वो प्रेडिक्ट करेगी काफी बड़ा आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो, और एक्चुअल जो होगा वो उससे काफी छोटा होगा। एक्चुअल जो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो उससे काफी छोटा होगा। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड इफेक्ट। और थ्रेशोल्ड इफेक्ट इस फिनोमेना को कहते हैं कि हमारा जब नॉइस की पावर बढ़ जाती है तो क्लिक ऑफ स्पेक्ट्रिंग साउंड आ जाती है, और आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमारा वो जो इक्वेशन से हम लोगों ने बनाया था वो सही नहीं निकालता है। ठीक है, और एक्चुअल में जो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है वो काफी कम होता है, उस इक्वेशन वो वाली इक्वेशन वैलिड नहीं रह जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड इफेक्ट। तो थ्रेशोल्ड, अब इसमें थ्रेशोल्ड इफेक्ट कहते हैं, और तो इसमें जो एक चीज है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कहीं पे भी हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं तो वो एक वैल्यू होती है कि उससे, जैसे कि कोई डिसीजन डिवाइस होती है तो उसमें थ्रेशोल्ड जो होता है, थ्रेशोल्ड होता है, तो क्या होता है कि उसमें उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा वोल्टेज होगा तो 1 दे रहा है, और थ्रेशोल्ड से कम वोल्टेज है तो 0। एक जैसे एक कोई डिसीजन डिवाइस होती है ना, तो डिसीजन डिवाइस होती है तो उसमें आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है VDS, एक एग्जाम्पल दे रहा है। तो इससे अगर आपका जो इनपुट वोल्टेज है V, वो अगर आपका V की वैल्यू VTS से ज्यादा होती है तो ये 1 आउटपुट दे रहा है, V की वैल्यू VTS से कम होती है तो 0 देता है। थ्रेशोल्ड एक बाउंड्री टाइप की हर जगह बताता है, तो इस केस में यहाँ पे क्या ये बाउंड, कौन सी बाउंड्री बता रहा है, इस केस में ये वो बाउंड्री बता रहा है जब तक कि हमारी जो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो इक्वेशन है वो वैलिड है, वो वैलिड हो, वो बाउंड्री को दर्शा रहा है। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन अभी निकाली थी पिछले लेक्चर में आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो की, वो कहाँ तक वैलिड रहेगी उस, वो बता रहा है। तो उसके लिए तो हमें कितना मिनिमम, देखो हमारा जैसे नॉइस की पावर, नॉइस की पावर बढ़ाने पे हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज होता है, तो हमें कितना मिनिमम कैरियर टू नॉइस रेशियो चाहिए, है ना, हमारा कितना मिनिमम कैरियर टू नॉइस रेशियो चाहिए कि हमारी ये जो हमारी आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो हम लोगों ने इक्वेशन पिछले लेक्चर में निकाली थी वो वैलिड रहे। ठीक है, ठीक है, वो वैलिड रहे उसके लिए हमें कितना कैरियर टू नॉइस रेशियो चाहिए,
तो वो हमारा क्या कहलाता है, जो ये मिनिमम कैरियर टू नॉइस रेशियो है, इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं यहाँ पे। ठीक, इस थ्रेशोल्ड से ऊपर रहेगा हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो, ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन वैलिड रहेगी। इससे भी छोटा चला गया तो हमारी ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। तो कितना हमें कैरियर टू नॉइस रेशियो चाहिए ताकि हमारी ये जो आउटपुट की जो हम लोगों ने इक्वेशन पिछले लेक्चर में निकाली थी, आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो की, वो वैलिड रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड यहाँ पे। ठीक, और थ्रेशोल्ड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कि जब हमारी नॉइस की पावर बढ़ती है, कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज होता है, तो हमारी पहले शुरुआत में क्लिक साउंड आने लगती है, और फिर जब बहुत ज्यादा हमारा नॉइस बढ़ने नॉइस की पावर जो होगी रिसीवर के इनपुट पे, जो डिस्क्रिमिनेटर के इनपुट पे जो नॉइस की पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारी कैरियर टू नॉइस रेशियो और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो हमारी जो क्लिक है और वो हमारी क्या बन जाती है, क्रैकलिंग और स्पैटिक साउंड में बन जाती है, और जो हमारी आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो की जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं रहती है। ठीक, तो इस फिनोमेना को कहते हैं थ्रेशोल्ड इफेक्ट। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या सॉरी थ्रेशोल्ड वो है कि हमें कितना कैरियर टू नॉइस रेशियो मिनिमम रखना है कि हमारी ये जो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो वैलिड रहे। ठीक है, जो अभी जो मैंने बताया वही चीज फिर से लिखी है। ठीक, तो FM डिस्क्रिमिनेटर के इनपुट पे हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था, ST होता है सिग्नल जो आ रहा है, और नैरो बैंड नॉइस होती है ND। ठीक है, अगर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो अभी मॉड्यूलेशन नहीं मार रहे, ये थोड़ा हम लोग अलग तरीके के एनालिसिस कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं जो हम लोग ने पिछली बार में करी थी। ठीक है, तो अब हम लोग मान लो कि हम लोगों ने FM सिग्नल भेजा ही नहीं है, हम लोगों ने सिंपली एक खाली कैरियर भेजा है। ठीक है, तो ST इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT, जिसकी फ्रीक्वेंसी FC है ना, ये हम कोई मॉड्यूलेशन नहीं करा है, सिर्फ कैरियर को सिंपली ऐसे ही उठा के भेज दिया आप लोगों हम लोगों ने। अभी समझ में आ जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने कोई मॉड्यूलेशन केस वाला नहीं किया, वो फिगर ऑफ मेरिट तो निकाल नहीं रहे है ना, वो तो पिछले लेक्चर में निकाल चुके थे। ठीक, तो आपका मॉड्यूलेशन हम लोगों ने नो मॉड्यूलेशन केस वाला लिया, तो अब समझ लो कि ST इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT हम लोगों ने कर दिया। ठीक, HT की वैल्यू अब क्या होगी, जो FM डिस्क्रिमिनेटर के जो इनपुट पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इनपुट पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी AC cos 2 pi FCT प्लस ये नैरो बैंड नॉइस को हम लोग लिख सकते हैं NIT cos 2 pi FCT माइनस NQT sin 2 pi FCT। इसमें से cos 2 pi FCT, cos 2 pi FCT को कॉमन ले लेंगे, AC प्लस NIT cos 2 pi FCT, वो बस खाली हम लोगों ने इसलिए कर लिया कि वो 5T वाला जो टर्म आ रहा था ना वो हट जाएगा फालतू का, है ना, यहाँ पे एक टर्म आ रहा था वो हट जाएगा। तो अब आपका देखिए ये जो AC है, पिछली बार में यहाँ पे भी एक एक इतना सा एंगल आ रहा था 5T करके शायद, है ना, इतना एंगल था कुछ, है ना, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था हमारा पिछली बार में। ठीक, तो वो हट गया है, तो अब यार उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब आप देखो थीटा टी कितना होगा, थीटा टी होगा हमारा थीटा, आप देखो टैन थीटा टी कितना होगा हमारा, होगा NQT अपॉन, तो ये NQ है ये, है ना, अपॉन AC प्लस NIT, यही तो होगा। अब ये हम लोग हर बार करते हैं कि AC की वैल्यू काफी बड़ी होती है NIT से, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं NQT अपॉन AC लिख देते हैं, और फिर हम लोग लिखते हैं कि टैन थीटा टी, थीटा टी काफी छोटा होता है, तो ये भी हम लोग ने वो थीटा टी काफी छोटा होता है क्योंकि ये नॉइस काफी छोटी होती है, मतलब RT की वैल्यू भी काफी छोटी होती है, ये NIT और NQT की वैल्यू भी काफी छोटी होती है, तो ये ST लगभग लगभग AC के बराबर ऐसे होता है, बिल्कुल छोटा सा AC है ना, और बहुत ही इतना इतना बड़ा हमारा लगभग ST होता है।
इससे भी कम डिफरेंस होता है, तो थीटा टी बहुत छोटा होता है कुल मिला के, ये कहने की बात है। ये हमारा एक्स टी और ये हमारा ए सी है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, ये हमारा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी है, और तो ये हमारा जो बीच में जो एंगल है ये काफी छोटा होता है, तो ये हमारा ऐसे, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं थीटा टी इज इक्वल टू एन क्यू टी अपॉन ए सी, ऐसे लिख देते हैं। खैर उससे मतलब नहीं है। अब हमारा जैसे कि एम्पलीट्यूड ऑफ फेज जो होता है एन आई टी का और एन क्यू टी का, ये बार बार रेंडमली टाइम के साथ चेंज होता है, एन आई टी और एन क्यू टी का जो फेस और एम्पलीट्यूड है। तो आपका जो ए पॉइंट है वो कभी आपका इसका एम्पलीट्यूड बदलता रहता है और एन क्यू टी का एम्पलीट्यूड बदलता रहता है। ठीक है, तो आपका जो ए पॉइंट है वो कभी यहाँ होगा, 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 है ना, मतलब कहीं से कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड आपका एन आई टी का एम्पलीट्यूड और एन क्यू टू का एम्पलीट्यूड और फेज बदलते रहते हैं बराबर, तो आपका ए पॉइंट भी चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी आपका ए पॉइंट यहाँ, कभी आपका ए पॉइंट यहाँ, कभी आपका ए पॉइंट है। तो ये हमारे बी पॉइंट जो है यहाँ पे, ये जो बी पॉइंट के आसपास ये घूमता रहता है ना, रेंडमली घूमता रहता है हमारा ए पॉइंट। ठीक, तो जब भी हमारा थीटा टी एंगल हमारा एन क्यू टी वेरी थीटा टी एंगल वेरी हमारा लगभग एन क्यू टी अपॉन ए सी से मल्टीपल ऑफ 2 पाई के बीच में वेरी करता रहता है। अभी आपका जितना एन क्यू टी बाई ए सी था ना, उससे अभी हम लोग निकाला थीटा टी एंगल, यहाँ पे क्या था आया एन क्यू टी अपॉन ए सी। ठीक, एन क्यू टी अपॉन ए सी से हमारा थीटा टी जो एंगल है वो वेरी करता रहता है किसके बीच में, वो मल्टीपल ऑफ 2 पाई, क्योंकि जब ये पॉइंट वेरी करता रहेगा तो हमारा थीटा टी भी वेरी करेगा, थीटा टी वेरी करेगा। तो जब भी हमारा थीटा टी हमारा 2 पाई से चेंज होता है, प्लस माइनस 2 पाई से चेंज होता है, तो हम लोग को क्लिक सुनने को मिलते हैं, जो हम लोगों ने अभी बोला क्लिक। तो जब हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो और डिक्रीज होता है तो क्लिक्स पर यूनिट टाइम और इंक्रीज हो जाते हैं। तो थ्रेशोल्ड हम लोग कहते हैं कि जब हमारे क्लिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि कैरियर टू नॉइस रेशियो और डिक्रीज होगा, है ना, तो हमारी वो वाली इक्वेशन वैलिड नहीं रह जाती है, ऐसा आउटपुट एस एन आर वाली, ये वैलिड जो हम लोगों ने वहां पे निकाली थी वो वैलिड नहीं रह जाती है, और हमारे जो क्लिक्स हैं वो बहुत ज्यादा आने लगते हैं, तो वो एक आपके स्पटरिंग साउंड में बदल जाते हैं। ठीक है, तो तब हम लोग कहते हैं कि ये थ्रेशोल्ड हो गया। तो अभी आप देखिए जैसे कि थ्रेशोल्ड होता है और हमारी इक्वेशन लगभग इस तरीके से कैलकुलेट कर रही है, कैलकुलेट करती है, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे थ्रेशोल्ड हुआ, तो एक्चुअल में आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी से डिक्रीज करता है, और हम कैलकुलेट करते हैं वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि वो जैसे कि इस पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करेंगे, है ना, इस पॉइंट पे अगर देखें, तो इस पॉइंट पे एक्चुअल में आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो ये है, और हमारा कैलकुलेटेड आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो लगभग किस तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर कर्व है ना, तो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो लगभग लीनियर है, लेकिन हमारा एक्चुअल में जो है वो इस काफी कम है, ये हमारा एक्चुअल है आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो, और जो इक्वेशन से आ रहा है वो ये है, इक्वेशन में हमारा जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो काफी ज्यादा आता है और एक्चुअल में काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो एफएम थ्रेशोल्ड के रिडक्शन में अब हम लोग क्या करते हैं कि ये अनडिजायर्ड चीज है, सीधी सी बात है। अब इसको हमें एफएम के थ्रेशोल्ड को रिडक्शन करने में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं हमारा कि ही एक्सटेंडेड, मतलब कि हमारा अब जैसे कि अभी अभी हमारा क्या हो रहा है कि कैरियर टू नॉइस रेशियो यहाँ पे पहुंच रहा है, तभी हमारा ये क्या हो जा रहा है कि थ्रेशोल्ड आ जा रहा है, और उसके बाद हमारा एफएम रिसीवर ब्रेक हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो मतलब कि थोड़ी दूर की थोड़ा और हम लोग हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो और कम होगा, तो उसके बाद हमारा
एफएम रिसीवर ब्रेक होगा, अभी यहीं पे ब्रेक हो जा रहा है, अब बाद में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे ब्रेक होगा, है ना। मतलब कि हमारे पास थोड़ा और कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज करने का ऑप्शन है। कैरियर टू नॉइस रेशियो जैसे डिक्रीज, जैसे यहाँ पे डिक्रीज हो, मतलब यहाँ पे आप यहीं पे आपका आया तो हमारा थ्रेशोल्ड आ गया, अब हम लोग उन्हें एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सटेंड करने में हमारा जो होगा थोड़ा और हमारे पास 5 से 7 dB हमारे पास लगभग हम लोग थ्रेशोल्ड को मतलब और बढ़ा सकते हैं। मतलब बढ़ाने का मतलब ये है कि अभी हम कैरियर टू नॉइस रेशियो को और डिक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद हमारा थ्रेशोल्ड आएगा, ठीक है। तो 5 से 7 dB हम लोग कैरियर टू नॉइस रेशियो को और डिक्रीज कर सकते हैं, तो उसके बाद हमारा थ्रेशोल्ड आएगा, ठीक। तो भाई क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज होगा, ठीक है, अब हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो डिक्रीज हो रहा हो कर रहे थे हम लोग, तो अभी शुरुआत में हमारा लीनियरली वेरी कर हो रहा था, ठीक है। आउटपुट SNR हमारा लीनियरली आ रहा था, उसी के लीनियरली प्रोपोर्शन था। फिर आपका क्या हुआ, थ्रेशोल्ड आ गया। थ्रेशोल्ड आ गया तो अगर हम जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कैसे कैलकुलेट करेगा, वो तो अभी भी लीनियरली कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो अब वो तो अभी भी लीनियरली कैलकुलेट करके देगा, तो इक्वेशन तो चेंज नहीं है, इक्वेशन तो वैसे जैसे यहाँ पे थी वैसे यहाँ पे भी है, लेकिन जो एक्चुअल में आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है वो जो होता है हमारा काफी कम हो जाता है, ये जो लीनियरली जो हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जो हमारा यहाँ से इस जो इक्वेशन से जो कैलकुलेट होके आ रहा है, इक्वेशन से हमारा ऐसे आपका कैलकुलेट होगा इस तरीके का, ये जो ये लाइन शो कर रही है वो हमारे डॉटेड लाइन जो शो कर रही है, ये हमारी किस किस से कैलकुलेट होगा, हमारी उस इक्वेशन से कैलकुलेट होगा, लेकिन जो एक्चुअल जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो उससे काफी कम हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि थ्रेशोल्ड हो गया। अब हम लोग इस थ्रेशोल्ड रिडक्शन में क्या करते हैं, इस थ्रेशोल्ड रिडक्शन में हम लोग थोड़ा ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड का मतलब क्या था, हमारा मिनिमम कैरियर टू नॉइस रेशियो जो हमें जरूरत है, यही तो मतलब था। तो हम एक मिनिमम कैरियर टू नॉइस रेशियो जो जिसके जिस पे हमारी जो आउटपुट की जो वो जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी वो वैलिड रहे, ठीक है। तो मिनिमम कैरियर टू नॉइस रेशियो जो हमारा जो, और क्योंकि ये भी हो जाता है कि अब आपकी वो इक्वेशन जब वैलिड नहीं होती है तो हमारी क्लिक्स और स्पटरिंग साउंड भी आने लगती है ना। जब थ्रेशोल्ड से और कम हो जाता है हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो, तो हमारी क्लिक की साउंड आने लगती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये इक्वेशन को वैलिड रखना है, तो हमें क्या करना है कि कैरियर टू नॉइस रेशियो जो की जो मिनिमम वैल्यू है उसको और कम कर देनी है, तो वही काम हम लोग करते हैं थ्रेशोल्ड रिडक्शन में। थ्रेशोल्ड रिडक्शन में अभी जब आपको देखो क्या हो रहा है कि हमारा थ्रेशोल्ड यहाँ पे था, इसके बाद हमारी इस तरीके से वैरी करने लगा। अब शुरुआत में लीनियरली था यहाँ पे, अब हम लोगों ने कैरियर टू नॉइस रेशियो और डिक्रीज करा तो हमारा ये इस तरीके से वैरी करने लगा आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज को हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये कर्व हटा दे रहे हैं, क्यों, कोई एक टेक्निक का यूज करेंगे जिससे हमारा कोई दो तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि इसके थ्रेशोल्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड को रिड्यूस करने का मतलब जो मिनिमम कैरियर टू नॉइस रेशियो जिसपे हमारी वो इक्वेशन वैलिड होती है, वो थ्रेशोल्ड का मतलब ही वही होता है कि कितने मिनिमम पे हमारी वो इक्वेशन वैलिड हो। तो थ्रेशोल्ड रिडक्शन का मतलब होगा कि कितने वही कैरियर टू नॉइस रेशियो जिसपे ये इक्वेशन वैलिड हो उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो यहाँ तक अब हमारा लीनियर हो रहा है, पहले यहीं तक लीनियर हो रहा था, अब यहाँ तक लीनियर हो रहा है। तो हम लोगों के पास 5 से 7 dB लगभग हम लोग और कैरियर टू नॉइस रेशियो को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड रिडक्शन की दो टेक्निक का यूज करके। तो जो हमारा थ्रेशोल्ड रिडक्शन को हम लोग कैसे अचीव करते हैं, एक हमारा है FM मॉड्यूलेटर विद निगेटिव फीडबैक, इसको हम लोग FM FBD मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, और PLL डिमॉड्यूलेटर। PLL डिमॉड्यूलेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, शायद लेक्चर नंबर
58 के आसपास में है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पीएलएल डिमोडुलेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे। एफएमएफपी डिमोडुलेटर का हल्का सा इंट्रोडक्शन टाइप का अभी दे दूंगा मैं कि क्या होता है उसमें, कैसे वो थ्रेशोल्ड को रिड्यूस करता है। तो हम क्या करते हैं कि थ्रेशोल्ड अभी हमारा इसी थ्रेशोल्ड डिटेक्शन में क्या करते हैं कि अभी हमारा जैसे इस पॉइंट पे ही हमारा थ्रेशोल्ड आ जा रहा है, और हमारा इस पॉइंट पे ही हमारा थ्रेशोल्ड आ जा रहा है, और हमारा आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियोज की वाली इक्वेशन जो थी वैलिड नहीं रही, क्योंकि अब हमारा आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो इस कर्व से आने लगा है। फिर अब हम लोगों ने क्या करा, कोई एक टेक्निक का यूज करा, जैसे कि एफ एम एफ बी डी मॉड्यूलेटर का यूज करा या पी एल एल डी मॉड्यूलेटर का यूज करा, तो उससे हमारा थोड़ा थ्रेशोल्ड की वैल्यू और कम हो गई। तो अब आपका क्या होगा कि हम थोड़ा और कैरियर टू नॉइस रेशियो को भी अगर डिक्रीज हो जाता है, अगर कैरियर टू नॉइस रेशियो और थोड़ा और डिक्रीज हो जाता है, तब भी हमारी वो इक्वेशन वैलिड रहेगी, है ना, वो इक्वेशन वैलिड रहेगी जब तक कि उसके थ्रेशोल्ड पर ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे जब जब यहाँ पहुंच गई तो भाई इसने सारी हद ही पार कर दी, है ना। तो अब कम से कम इतना तो यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इसके इससे भी कम हो जा रहा है, तब तो हमारा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कैरियर टू नॉइस रेशियो इस पॉइंट से भी अगर कम हो जा रहा है हमारा, तब तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे कि अगर बिना अगर हम ये टेक्निक ना यूज करें तो हमारा थ्रेशोल्ड यहीं पे ही है। अगर यहीं पे ही हमारा कम हो जा रहा है, इस पॉइंट से ही हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो कम हो जा रहा है, तो वहीं पे थ्रेशोल्ड आ जा रहा है, और मतलब वहीं पे ही हमारे क्लिक और स्पटरिंग साउंड आने लगेंगी। फिर हम लोगों ने ये टेक्निक यूज करी तो हम लोग थोड़ा और कैरियर टू नॉइस रेशियो को डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थ्रेशोल्ड और काफ़ी कम हो गया है। अब थ्रेशोल्ड काफ़ी कम हो गया है तो हमारा क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है तो कैरियर टू नॉइस रेशियो की जो मिनिमम वैल्यू है वो और कम हो गई है। कैरियर तो मतलब कि अभी हम कैरियर टू नॉइस रेशियो को और काफ़ी डिक्रीज कर सकते हैं, 5 से 7 dB तक का ही ये लोग, 5 से 7 dB के तक का ही हम लोग थ्रेशोल्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, और ठीक है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अब मतलब कि अब पहले यहाँ ये इतने पहले हमें कम से कम इतना कैरियर टू नॉइस रेशियो मिनिमम रखना पड़ रहा था, अब हमें कम से कम इतना कैरियर टू नॉइस रेशियो मिनिमम रखना पड़ेगा। ये है बस मेन बात इसमें थ्रेशोल्ड डिटेक्शन में। तो अब हमें 5 से 7 dB की थोड़ा और छूट मिल जा रही है कि आप कैरियर टू नॉइस की नाइट की हमारा कैरियर टू नॉइस रेशियो कम हो जाए। कैरियर टू नॉइस रेशियो कम होने का मतलब ये है कि नॉइस की पावर और थोड़ी और बढ़ सकती है। ठीक है, जितनी यहाँ पे बढ़ रही थी वहां से और काफी यहाँ पे थोड़ी और यहाँ मतलब इतनी छूट और मिलेगी, थोड़ी और बढ़ सकती है, तो इससे हमें थोड़ी छूट मिल जाती है कुछ कि हम लोग कैरियर टू नॉइस रेशियो और थोड़ा भी कम और कम हो जाता है, तो तब भी हमारा वो हमारा वो वाली केस नहीं रहेगी कि वो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन वाली जो इक्वेशन है वो इनवैलिड हो जाए और हमें क्लिक्स और स्पटरिंग साउंड हमें सुनने को मिले। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है एफएम थ्रेशोल्ड डिटेक्शन का। इसको हम लोग करते हैं दो तरीके से, एक होता है एफएमएफपीटी मॉड्यूलेटर और पीएलएलडी मॉड्यूलेटर। पीएलएलडी मॉड्यूलेटर हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 58 में, एफएमएफपीटी मॉड्यूलेटर हम लोग अब करेंगे। एफएमएफपीटी मॉड्यूलेटर में क्या है कि हम लोगों ने एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का यूज करा है एज ए फीडबैक। सिंपली हमारा पहले एफएम सिग्नल आ रहा है, ठीक है, एफएम सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, फिर हम लोग मिक्सर में पास कर रहे हैं, फिर वो बैंड पास फिल्टर से जा रहा है जिससे हमारा एफएम सिग्नल फिल्टर आउट हो जाएगा, साथ में जो नॉइस होगी वो नैरो बैंड नॉइस हो जाएगी। फिर हमारा लिमिटर डिस्क्रीट मीटर, तो इससे हमारा मॉड्यूल जो हमारा मैसेज सिग्नल था वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, और बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो मतलब कि वो बैंड लिमिटेड हमारा मैसेज सिग्नल जो था, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, वो हमें यहाँ पे मिला। फिर हमें इतना तो पता चल गया, इतना तो ठीक है। फिर हम लोगों ने एक फीडबैक लिया है और हम लोगों ने वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का यूज करा है, और वापस हम लोगों ने मिक्सर में दिया है। मिक्सर में भी इस तरीके से दिया है कि ये समझ लो एक एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर भी हमारा एक एफएम सिग्नल बना रहा है। यहाँ पे एक एफएम सिग्नल आ रहा है, उसी के मैसेज सिग्नल्स का यूज करके जो उस मैसेज सिग्नल में जो एफएम की जो इक्वेशन होगी, ठीक है, यहाँ इसमें जो मैसेज सिग्नल हम लोगों ने यूज करा होगा, जो मैसेज सिग्नल से जो हम लोगों ने एफएम सिग्नल बनाया है, वही मैसेज सिग्नल जो डिमोडुलेटेड सिग्नल का यूज करके हम लोगों ने वापस
वापस यहाँ पे एक दूसरा एफएम सिग्नल बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो हम लोगों ने यूज करा है, इससे क्या फायदा हो रहा है? तो इससे फायदा ये हो रहा है कि अब ये जो हो रहा है, ये इसको पता है कि मैसेज सिग्नल किस तरीके से वैरी कर रहा है ना, ये मैसेज सिग्नल किस तरीके से वैरी कर रहा है। तो ये इसको पता चलेगा, इसको पता चलेगा ये अपनी फ्रीक्वेंसी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक। तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी भी उसी अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो हमारा जो एफएम सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होती है वो भी हमारी इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। जो एक स्टैंडर्ड एफएम सिग्नल होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी में डेविएशन होती है वो भी हमारी इसी के कारण होती है। और जो हमारी जो जिस थ्रेशोल्ड इफेक्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारी ये जो नॉइस थी है ना, नॉइस की एम्पलीट्यूड और फेज बराबर चेंज हो रहा था, ठीक है। ये जो नॉइस का एम्पलीट्यूड और फेज बराबर चेंज हो रहा था तो, और ये ए पॉइंट बी के अराउंड वेंडर मतलब घूम रहा था बार बार, तो उसके कारण हमारी क्लिक प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये जो हाईली वेरिंग मतलब तो ये जो वेरिएशन है जो नॉइस का, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है, ठीक है। अब हमारा जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा है वो किसको रिस्पॉन्ड करता है, वो हमारा स्लो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो होता है बेस बैंड सिग्नल जो एंटी सिग्नल जो हम लोगों ने यूज करा होगा उसके फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को ही ये उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। और हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है उसके वो हमारा उसके निगलेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो VCA जो सिग्नल है वो हमारा केवल स्लो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो है मैसेज सिग्नल का उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो होता है नॉइज का उसको निगलेक्ट कर देता है। तो हमारा जो FM-FET मॉड्यूलेटर है वो केवल स्लो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो होता है मैसेज सिग्नल का उसी को ट्रैक करता है, और हमारा हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो होते हैं जो नॉइज के में उसके कारण वो उनको निगलेक्ट कर देता है। तो हमारा जो थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है वो लगभग लगभग हमारी एक्सटेंड हो जाती है, लगभग 5 से 7 dB का हमें थ्रेशोल्ड रिडक्शन इसमें मिल जाता है। तो अब आप जो मैंने पढ़ाया उसके बाद आप एक बार देख लीजिए कि क्या क्या लिखा है मैंने। वी सी दैट लोकल ऑसिलेटर ऑफ द कन्वेंशनल एफएम रिसीवर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय VCO। हो यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर होता था एक कन्वेंशनल एफएम रिसीवर में, तो लोकल ऑसिलेटर की जगह पे हम लोगों ने अब की बार VCO यूज करा है, ठीक है ठीक है। हुज इंस्टेंटेनियस आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय द डीमॉड्यूलेटर सिग्नल। अब इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जो हमारा VCO है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है VCO की वो लो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो होती है डीमॉड्यूलेटर सिग्नल की उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो होती है नैरो बैंड नॉइज की उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, इसीलिए हमारा ये थ्रेशोल्ड का रिडक्शन कर पाता है, ठीक है। यही है रीजन दैट FM, यही चीज को मैंने इसमें लिखा द रीजन एट FM। अप्रियोरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जो मैंने यहां लिखा अप्रियोरी मतलब कि पहले से कोई इंफॉर्मेशन है जो किसी और सोर्स से हमें मिली है, जैसे कि आपका डीमॉड्यूलेटर था उसके अलावा और कहीं से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है मिल रही है, ठीक है। तो हमारा जो मैसेज सिग्नल हमारा डीमॉड्यूलेट होके आ रहा है उसी को हम वापस FM सिग्नल में भेज रहे हैं, है ना। तो हमें एक तरीके से बेसबैंड सिग्नल मिल के फिर वापस उसी में उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो एक इस तरीके से मतलब यहाँ पे प्रायोरी इंफॉर्मेशन का के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जैसे एक बेसबैंड सिग्नल हमें मिल रहा है फिर उसी को ही हम लोग यूज़ करके वापस हमें वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हमें ये पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो होगा हमारा हमारे FM सिग्नल वो किस तरीके से हो रहा है, वो हमारा मैसेज ये जो बेसबैंड सिग्नल है उसी के अकॉर्डिंग पे ही होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन किस तरीके से होता है, FC+KF MT से अकॉर्डिंग से होता है, या जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, KF AM होता है, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो KF MT है वो हमारा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है, और वही हम लोग वही इंफॉर्मेशन हम लोग वहाँ से यूज़ कर रहे हैं जो डिमॉड्यूलेट होकर आ रही, तभी उस यहाँ पे इस टर्म का यूज़ हुआ है अप्रियोरी इंफॉर्मेशन। तो
एक FMFB डीमोडुलेटर, एक ट्रैकिंग फिल्टर है जो कि ट्रैक करता है केवल स्लो वेरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइड बैंड FM सिग्नल एंड कॉन्सिक्वेंटली इट रिस्पॉन्ड ओनली टू अ नैरो बैंड ऑफ नॉइज सेंटर्ड अराउंड द इंस्टेंटेनियस कैरियर फ्रीक्वेंसी। इसके अकॉर्डिंग इससे हमें 5 से 7 dB तक का थ्रेशोल्ड रिडक्शन हमें मिल जाता है या थ्रेशोल्ड का एक्सटेंशन मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिम फेसेस और डीम फेसेस देखेंगे। अगर इस लेक्चर में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, है ना। और कहीं पे अगर आपको कुछ समझ ना आया तो भी बता दीजिए। और भाई प्लीज़, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें तो प्लीज़ सपोर्ट करें। हमारी वेबसाइट है अप्रिसेप्टर, पहले आप .com पे जाके एक सपोर्ट टैब का पेज होगा, उस पर आप जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और एक अगर आपको उसमें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जूनियर सीनियर्स, अपने फैकल्टी सबसे शेयर करें, प्लीज़ सबसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। माता सरस्वती शारदा, 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 विद्यानारी दयानी दुःखहरणी जगत जननी माता, माता सरस्वती शारदा, सरस्वती शारदा।